नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूँ सोनिया शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचार पर। सबसे पहले द लोकल रिपोर्ट की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर माह मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन माह में आने वाली महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद से हर साल फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि माँ पार्वती सती का पूर्ण जन्म है। माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिव जी को अपना बनाने के लिए कई प्रयत्न किए थे, पर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद माँ पार्वती ने त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गोरीकुंड में कठिन साधना की थी और शिव जी को मोह लिया था, और इसी दिन शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। डोडा में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग शिव जी के दर्शन करने पहुंचे। तो आइए डोडा की महाशिवरात्रि को विस्तार से देखने के लिए नजर डालते हैं डोडा से हमारे संवाददाता राजकुमार की इस रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। सभी को पता ही है आज का पावन दिन जो है वो महाशिवरात्रि है। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि माना जाता है कि आज ही के दिन जो शिव भगवान थे उनकी शादी हुई थी। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि आज ही के दिन जो शिव थे वो करोड़ों सूरज के तापमान सा एक शिवलिंग उसमें प्रकट हुए थे। तो हिंदू धर्म में हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में जो मासिक शिवरात्रि जो आज के फागुन के महीने में मनाई जाती है, और इस दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कहीं जगह पे रात को भंडारा भी किया जाता है और शिव को याद किया जाता है। तो शिव भगवान आप सभी पे अपनी कृपा यूं ही बनाए रहे। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर लोगों से आप क्या बताएंगे और इसका जो क्यों मनाते हैं हम इस शिवरात्रि को? आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के बारे में आप जानने के लिए आए हैं। लोगों को क्या बताएंगे? लोग मेरे सामने होंगे तब तो बताऊंगे, क्या बताएंगे? सामने तो पहले आप हैं, तो पहले आप ही जानिए कि मैं क्या बताना चाहता हूं और क्या जानना चाहते हैं। शिवरात्रि का शब्द ही पहले है, इसी को बताइए। आप जानते हैं शिवरात्रि का शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते हैं। शिवरात्रि, शिव मने होता है कल्याण, रात्रि मने रात्रि, वह रात्रि जो हमारे लिए कल्याणकारी है। कभी आप सोचा है कभी कोई रात्रि हमारे कल्याणकारी होगी? नहीं ना? आप लोग बोलिए। तो कौन सी रात्रि थी जिस दिन जो रात्रि हमारे सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हुई थी? उसी रात्रि के यादाश्त में हम शिवरात्रि मनाते हैं। पहला चीज, वो कौन रात्रि थी? तो महाप्रलय के बाद जिस ब्रह्मांड में महाप्रलय हो जाता है, तो हर ब्रह्मांड में बारी बारी होता रहता है, जिस ब्रह्मांड में महाप्रलय होता है वह ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं रह जाता है, पृथ्वी जल कुछ नहीं रह जाता है, दम अंधेरा उप्त रहता है। अंधेरा को रात्रि कहते हैं ना, चंद्रमा सूर्य नहीं बगा। तो अब सारे जीव बहुत दिनों तो चलता है ना, महाप्रलय के बाद बहुत लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाता है। तो आत्माएं ये परेशान हो जाती हैं, स्पेशली मानो ये आत्माएं कि बाबा ये कब तक अंधकार में पड़े रहेंगे? हमारा अपना मनुष्य शरीर में जाते मिलता तो हम लोग अपने प्रयास करते अपने उद्धार के लिए, उत्थान करने के लिए, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा है कि अपने आत्मा को उत्थान करके, उद्धृत करके हम ये आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं, मनुष्य का ही तो है। तो वो अंतिम रात्रि थी, वो अंतिम रात्रि थी जिसमें ये हमारा प्रकृति के प्रारंभ के कारण शब्द से ब्रह्मा ये बना है। साउंड इज द काज ऑफ क्रिएशन, शब्द ही सृष्टि का कारण है। तो शब्द के ही थर्ड फोर्थ फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा अग्नि का गोला पिंड बना था, बहुत बड़ा पिंड बना था, हैं,
जब पिंड बना तो आत्माएं समझ गई ओहो ये ही पहचान है, अब हमारा उद्धार होने वाला है। तो उस चिन्ह को, उस अग्नि के गोले कोई पहचान नहीं था, गोला इतना बड़ा है कोई देखिए, लेकिन ये सिंबल था ना कि गोला अग्नि का है, तो वो सिंबल हुआ, लिंग माने सिंबल पहचान, सिंबल यह पहचान है कि हाँ अब सृष्टि होगी, इसलिए उसको बोलते हैं शिवलिंग। और उस पर बाद में प्रकृति में अपस तत्व पैदा हुआ, अपस से जल बना, जल से जब वर्षा हुई तो वो ठंडा हुआ तो विस्फोट किया तो सारे इसके जितने ब्रह्मांड के टुकड़े हमें सूर्य चंद्रमा कितने कितने होते गए, उसका ये थर्ड फॉर्मेशन हमारे सूर्य दिखाई दे रहा है, थर्ड है, तीसरा हिस्सा है, पहले तीन टुकड़ा हुआ, फिर एक के कितने टुकड़े, फिर कितने इस, तो उसके बाद ये हमारी पृथ्वी बनी, फिर इस पर सृष्टि हुई। तो इसलिए वो शिवलिंग पर हम जल देते हैं, वो ब्रह्मांड का स्वरूप है, ताकि सृष्टि का आदि कारण सृष्टि, इसलिए उस पर हम शिवलिंग पर जल देते हैं और उसको शिवलिंग बोलते हैं। शिवलिंग मैंने ये कल्याण का चिन्ह है, आत्माओं कल्याण का चिन्ह है, ये पहला कारण हो गया शिवरात्रि का, इसलिए हम आदि काल से। दूसरा क्या है, इसी शिवरात्रि को जब परम ब्रह्म जो है पांच रूपों में मैनिफेस्ट हुआ, उनके ज्ञान बुद्ध शक्ति स्वरूप नाम और प्रेम, उनके अंदर प्रेम आता तो शक्ति है ना, ये पांचों पांच रूप में प्रकट हुए, तो ज्ञान के रूप ये भगवान शंकर हैं, नाम के स्वरूप उनके गणेश हैं, गण इस सबका मालिक रहे ना, अकेले हैं ना, एक दांत दिखाया जाता है मैं अकेला हूँ, गणेश एक दांत दिखाया जाता है मैं अकेला हूँ, उसकी विशेषता है गणेश। प्रेम होता है विष्णु है, बिना प्रेम के पोषण नहीं ना होगा, विष्णु का पोषण के है ना पालक हैं। सूर्य उनके स्वरूप अवतार हैं, जैसे सूर्य का कोई स्वरूप नहीं देख पाता है ना, स्वरूप किस प्रकार का है, उस परमात्मा का स्वरूप कैसे देख पाओगे, स्वरूप गोला नहीं है सूर्य, बहुत बड़ा अग्नि का पिंड है। शक्ति उनकी जो अंदर शक्ति है ना, बौद्धिक शक्ति या जो भी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सारी शक्ति का कारण है, उस बौद्धिक शक्ति का स्वरूप ये हमारी माता नवरात्र है ना, उसको नवरात्र में दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी सब शक्ति स्वरूप, समझे बाबा जी। आज जो लोग व्रत रखते हैं, सुनिए बताता हूँ, तो ये शिव शक्ति का आज के दिन ही मिलन हुआ था, विवाह हुआ था, इसके धरा पर एक राक्षस था, उसको मारने के लिए वरदान था कि शिव का जो संतान होगा वही उसको मार सकेगा, इसलिए शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस दूसरा बाद में एक कारण बना कि आज की रात को शिवरात्रि के रूप में हम मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कारण जो है ज्ञान है, अज्ञानता में कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, तो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसको महादेव कहते हैं और इसकी आराधना सभी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और जब भी इनकी आराधना करते हैं, आदिकाल से होता रहा है। और आराधना करने के लिए हमारा शरीर मन स्थिर होना चाहिए, इसलिए हम व्रत धारण करते हैं कि आज हम आहार कुछ नहीं लेंगे, सीधे सीधे भगवान का भजन ध्यान करेंगे और अपने अवस्था देश काल परिस्थिति के अनुसार विभिन्न तरीके से इनकी पूजा का होती है, एक तरीका नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के परिस्थितियाँ हैं ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही तो कोई आराधना भक्ति पूजा करेगा, वो पूजा होती है। ये है शिवरात्रि और पूजा और व्रत। जो लोग आज व्रत रखते हैं उनको उस व्रत का मतलब ही नहीं पता होता, अब ना पतला हो, कोई जानकारी ना करना चाहे, तो उसके लिए हम ठेका दे लिए बैठे नहीं है, जिसको जरूरत आकर पूछे जाने समझे, पहले तो गुरु ही नहीं आजकल है, गुरु ही खोजना मुश्किल, कौन गुरु है, कौन ज्ञान दे सकता है, जो भी भगवा पहन लिया दौड़ोगे पीछे, लो गुरु जी हमारा बेटा दे दीजिए, बेटी दे दीजिए, धन दे दीजिए, विवाह करा दीजिए, यही देने वाले गुरु हैं, कतई नहीं, जो गुरु सांसारिक चीज़ें आपको देता है गुरु नहीं, ठग है, व्यापारी है, गुरु वह है जो आपको भगवान के रास्ते पर चलने का रास्ता बताता है, तरीका बताता है, वो गुरु है, समझे। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह, मैं तोंदवा का रहने वाला हूँ जी। आज बताएं शिवरात्रि के बारे में।
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप हमारे शिव मंदिर धोंदो में आए। यहाँ पे सुबह से बहुत से श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। हम सुबह से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मंदिर सेवा कमेटी के मेंबर्स जितने भी थे। और शिवरात्रि जो है, हम शिवरात्रि इसलिए मनाते हैं, कहते हैं कि आज के दिन जो शिव जी भगवान थे उनकी बारात आई थी, इसलिए हम सारे उनकी बारात में शामिल होते हैं और शिवरात्रि इसलिए मनाया जाती है। आपका नाम? सोनिया देवी। आप कहाँ से हो? गिनिका से। आज शिवरात्रि के ऊपर क्या बोलूँगा? मेरी तरफ से सबको हैप्पी शिवरात्रि। और आपका नाम? सुपारिश विजयाल। शिवरात्रि के ऊपर क्या कहोगे? हैप्पी शिवरात्रि मेरी तरफ।